आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 1 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू होगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मतदाता रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस 1 माह के दौरान विशेष अभियान की तिथि होगी, जिसमें BLO बूथ पर मौजूद रहकर दावे आपत्तियां ग्रहण करेंगे। मतदाता सूची के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो रहा है और ये 1 से लेकर 30 तारीख तक इनमें दावा आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा हमारी 7/11/2021, 13/11/2021 और 21/11/2021 और 28/11/2021 ये विशेष तिथियां हैं। इन तिथियों पे हर बूथ पे BLO मिलेंगे, वहां पे दावा आपत्ति दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये 5 जनवरी को हमारी वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। इसमें हमारे सभी सुपरवाइजर, सभी BLO, सभी ERO लगे हुए हैं और इसके माध्यम से आप इसको अपना नाम घटवा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये हम स्वीप के माध्यम से भी इसका विशेष प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें DIOs लगे हुए हैं, हमारे गांव में चुनावी पाठशाला के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, स्कूलों में ELC का गठन किया गया है, उसके माध्यम से हम बच्चों के को ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने के तरीके बता रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन करने के तरीके हम विद्यालयों के माध्यम से और गाँव के माध्यम से जन जन तक पहुँचने का काम करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि कोई मतदाता छूटे ना पावे। तो इस तरह के काम किया जा रहा है। ERO के साथ इसी कार्यक्रम को डिस्कस किया गया है कि उसे कैसे गांव-गांव तक घर घर तक पहुंचाया जाए, कोई मतदाता न छूटे, इस बात की प्लानिंग कर ली जाए और इसी के लिए आज का मीट बैठक किया गया था। देखिए, जेंडर रेशियो हमारे जनपद का 859 का है, तो 800 ये बहुत गैप बहुत छोटा सा है। इसके लिए बात हुई है, हमारे यहाँ जो जिन गर्ल्स कॉलेजेज हैं उनमें हम बच्चियों को एजुकेट भी कर रहे हैं और उनको हम जो अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो डाउनलोड करा रहे हैं कि इसके अलावा NBSPF एक हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से भी हम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो घर घर तक हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बच्चों की बच्चियों के माध्यम से भी पहुँचने का प्रयास करेंगे और हर महिला को वोटर बनाएंगे जो 18 साल के ऊपर की।